वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैक्रो की छोटी सी कोडिंग सिखाने जा रहा हूँ जिसमें हमें बस वो कोड अप्लाई करना है और हमारे सारे के सारे जो कॉलम है वो अपने आप ऑटो फिट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी आप कुछ भी करते हैं आपको हमेशा ऑटो फिट मैनुअली करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, इसमें आप यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे तो ये जाके एडजस्ट होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे करेंगे। मैं एक आपको छोटी सी कोडिंग दिखाऊंगा जिसमें आप सिर्फ एक छोटा सा कोडिंग आपने पेस्ट करना है VBA के मैक्रो के मैक्रो में और वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास है सीरियल नंबर है, मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, परचेज बाय डेट और अमाउंट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोडिंग अप्लाई कर चुका हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सबॉक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम कुछ बड़ा लिख देता हूँ, राम गोपाल वर्मा। ये देखिए जैसे ही मैंने राम गोपाल वर्मा लिखा वो अपने आप ऑटो फिट हो गया। सिमिलरली मैं डेट ये दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये कुछ ज़्यादा महंगा है जो कि मेरा 2 लाख रुपए का है या 20 लाख रुपए कर देते हैं। ये देखिए ये ऑटो फिट हो गया। सो, आज का ये टॉपिक एक छोटे से मैक्रो के ऊपर है, एक सिंपल कोडिंग जो कि आपके आपको ऑटो फिट करना बताएगा और आपके बॉसेस को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी एक डेटा सेट बनाया हुआ है यहां पे। अब मैं चाहता हूं ये सारे का सारा जब भी मैं कुछ भी एंटर करूं वो ऑटो फिट हो जाए, तो हमें उसके लिए एक कोडिंग करनी है। तो कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, या तो राइट क्लिक करेंगे इसमें और हम जाएंगे अपने VBA कोड्स में, नहीं तो आप Alt और F11 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप Alt और F11 प्रेस करेंगे आप सेम शीट में पहुंच जाएंगे। देखिए शीट नंबर वन। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी कोडिंग करेंगे। उससे पहले हमें कोडिंग एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो ये ड्रॉपडाउन है, ड्रॉपडाउन से हमें वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा चेंज सिलेक्शन चेंज, ये ड्रॉप डाउन से ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है जैसे आप वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे। यहां पे हम एक कोडिंग लिखेंगे सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ये रहा। बस आपने बस इतनी सी कोडिंग लिखनी है फ्रेंड्स और आपका काम खत्म। अब आप देखिए मैंने ये कोडिंग लिख दी। अब मैं वापस अपनी शीट में आया हूं, मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा। ये देखिए देखिए ये अपने आप ऑटो फिट हो गया है। जी हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने लिखा x-box, ये छोटा है इसके ये ऑटो फिट इस लास्ट जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा अल्फाबेट होता है उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट होता है। जैसे मेरा सबसे बड़ा अल्फाबेट ये है एयर कंडीशनर, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो गया। सो अब आप मैं नाम लिखता हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो नेम है मेरा यहाँ पे ये है परचेज्ड बाय। अब मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ राम गोपाल। अब राम गोपाल वर्मा मेरा सबसे बड़ा नेम है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और सिमिलरली आप कोई भी एक डेट दे दीजिए, मैं इसमें दे देता हूँ 10th और इसमें मैं अमाउंट दे देता हूँ 2 लाख। और 2 लाख अमाउंट से छोटा है तो ऑटो फिट नहीं होगा, तो मुझे यहाँ थोड़े जीरोस ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने बढ़ाया वैसे ही अपने आप ऑटो फिट हो गया। तो इसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके बॉसेस को जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई डेटा बहुत इम्प्रेसिव है, ये अपने बॉसेस को आप इम्प्रेस करने के लिए डेट कोडिंग लगाइए और ये प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आज का वीडियो था। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड लाइक कहीं भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं कोडिंग को। सो होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस करिएगा और अपने कमेंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही मुझे पता लगता है आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।